नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कचरा से पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का इस महीने होगा उद्घाटन। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कई नए चेहरों को मिली जीत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 अक्टूबर से घूम सकेंगे लोग। पैक्सों के जरिए धान खरीदने की तैयारी हुई शुरू। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज है जयंती। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज आयोजित हुआ अक्टूबर महीने का दूसरा जनता दरबार। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रूटीन के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता के दरबार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां राज्य के कई जिलों से शिकायत लेकर फरियादी पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतों को सुना और इससे जुड़े अधिकारियों को निपटारे के लिए त्वरित आदेश भी दिया। इस मौके पर संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारीगण भी मौजूद रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनता दरबार में आने के लिए आवेदक को पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट मिलने पर ही बारी आती है। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज है जयंती। देश की आजादी के बाद सिस्टम से लड़ने वाले क्रांतिकारी चेहरों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम बिहार के लाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आता है, जिनकी क्रांतिकारी विचारधाराओं ने देश भर के नौजवानों को जोश से भर के राजनीति का एक नया इतिहास गढ़ दिया था। आज जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती के अवसर पर देश उन्हें नमन कर रहा है और सुबह से ही कई श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है। जयप्रकाश नारायण ही वो थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव सीताब दियारा में हुआ था। हालांकि उन्होंने पटना से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। जयप्रकाश नारायण को आंदोलन की लौ जलाने वाले शख्स के तौर पर भी देश याद करता है। राज्य में कचरा से पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का इस महीने होगा उद्घाटन। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम के बीच एक अच्छी खबर आई है। सूबे में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का काम शुरू होगा। इसके तहत 25 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन करेंगे। यह फैक्ट्री मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के खरौना में शुरू हो रहा है, जिससे कि रोजाना 200 किलो प्लास्टिक कचरे से 175 लीटर डीजल और पेट्रोल तैयार हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यह फैक्ट्री खोली जा रही है, जिसका संचालन स्थानीय युवाओं की टीम करेगी। इसका कॉन्सेप्ट जिले के आशुतोष मंगलम नामक एक छात्र का है। बताते चले कि इस प्रोजेक्ट के लिए कचरा नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एक लीटर पेट्रोल के लिए लागत मात्र 45 रुपए आएगी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कई नए चेहरों को मिली जीत। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना बीते दिन पूरी हो गई और रिजल्ट जो आया वो हैरान करने वाला ही रहा, क्योंकि इस चरण में भी वोटर्स ने कई नए चेहरों को ही मौका दिया है, जबकि पुराने और कई दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 540 पंचायतों के नतीजे में 414 नए चेहरों पर वोटरों ने भरोसा जताया है। वोटरों ने अधिकतर पुराने जनप्रतिनिधियों को खारिज कर दिया, जो कि लंबे समय से अपने पद पर जमे हुए थे। पटना की विक्रम पंचायत में 16 में से 14 नए मुखिया को चुना गया, तो वहीं नौबतपुर की 19 पंचायत में 13 नए मुखिया चुने गए। केवल 6 मुखिया ही अपनी सीट को बचा सके। वहीं नौबतपुर में 12 महिलाएं मुखिया बनी हैं। बताते चले कि तीसरे चरण की समाप्ति के बाद अब चौथे चरण की वोटिंग होगी। जयप्रकाश नारायण के 119वीं जयंती पर उनके आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 119वीं जयंती के अवसर पर उनके कदमकुआ स्थित जेपी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावुक मन से याद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। बापू, जेपी और लोहिया के विचारों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि जेपी के आवास का नए सिरे से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही यहां जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पटना के जेपी गोलंबर स्थित उनकी प्रतिमा के पास राजकीय समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधायक नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे।
अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। राज्य में मानसून की वापसी के कारण मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। इस दौरान हवाएं भी रुक रुक कर चल रही हैं। दिन की शुरुआत धुंध के साथ हो रही है, तो वहीं दिन के चढ़ते ही गर्मी सा एहसास होने लगता है। हालांकि सुबह और शाम के मौसम में थोड़ी राहत है। बारिश की बात करें तो राज्य में बारिश अब पूरी तरह से ठप हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। तो वहीं तापमान की बात करें तो मानसून की वापसी के साथ ही दिन और रात का तापमान लगभग सामान्य और स्थिर हो चला है। वातावरण में आर्द्रता 75 से 80% के बीच रिकॉर्ड की गई। वहीं आज राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिजली कंपनी ने त्योहार के दौरान बिजली संकट को किया दूर। देश भर में कोयला संकट के कारण बिजली उत्पादन में कमी आई है। हालांकि त्योहार के सीजन के चलते बिजली की खपत भी बढ़ गई है, जिस कारण इसे ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने निर्धारित बिजली क्रय से लगभग 1000 से 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराई है। इसके तहत कंपनी ने NTPC और विद्युत उत्पादकों के साथ निश्चित दर पर बिजली की खरीद के लिए दीर्घकालीन नामा भी किया है, जिसके तहत त्योहार के दौरान राज्य के सभी जिलों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी। आपको बताते चले कि इस खरीद से अभी बिजली संकट के बीच भी जिला मुख्यालयों में 22 घंटे तक बिजली मुहैया कराई जा रही है। लड़के के सर्टिफिकेट में लड़की की तस्वीर लगने की शिकायत लेकर जनता दरबार पहुंचा फरियादी। आज के जनता दरबार में शिवहर जिले से एक छात्र अजीबोगरीब शिकायत लेकर पहुंचा। उसकी शिकायत थी कि उसके मैट्रिक सर्टिफिकेट में उसकी जगह पर एक लड़की की तस्वीर लगा दी गई, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। उस छात्र ने 2016 में ही मैट्रिक पास करने की बात कही। उक्त छात्र ने कहा कि सुधार के लिए उसने बिहार बोर्ड में भी आवेदन किया था, लेकिन अब तक सुधार नहीं हो सका। इस शिकायत को सुनकर CM ने भी तुरंत शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को फोन लगा दिया और कहा कि लड़का मेरे सामने है और इसके सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर लगा दी गई है, ये कैसे हो गया। साथ ही उन्होंने बिहार बोर्ड के अधिकारियों को भी बुलाने की बात कही और फिर इस मामले को देखने को कहा। सृजन घोटाले की जांच पर दिख रहा है पंचायत चुनाव का असर। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर महीने के मध्य तक चलने वाला है, जिसका असर राज्य में अन्य कई चीजों पर भी देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव चलने के कारण हाई प्रोफाइल घोटाला सृजन घोटाले की भी जांच रुक गई है। मिली सूचना के मुताबिक चुनाव को लेकर अफसर और कर्मी चुनावी ड्यूटी पर है, जिस कारण से CBI को कागजात उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बताते चले कि भागलपुर के जिला कल्याण कार्यालय के 221.60 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कराकर अवैध तरीके से सृजन महिला विकास सहयोग समिति में ट्रांसफर कर दी गई थी। इस मामले में 3 पदाधिकारियों ने FIR किया था, जिसकी जांच CBI अब कर रही है। जांच को लेकर CBI ने संबंधित दस्तावेज उस कार्यालय से मांगा है, मगर कार्यालय के पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त होने के कारण दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके हैं। अब दुर्गा पूजा के बाद कागजात CBI को सौंपी जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 अक्टूबर से घूम सकेंगे लोग। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घूमने के इच्छुक के लिए अच्छी खबर है। यहां 15 अक्टूबर से इको टूरिज्म सेवा को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाने वाला है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण लंबे समय के बाद इसे बंद रखा गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। हालांकि अब फिर से इस पर्यटन क्षेत्र को खोलने के बाद यहां की रौनकें बढ़ गई हैं। साथ ही नया टूर पैकेज भी लाया गया है। इसके तहत पटना से वाल्मीकि नगर तक सैलानियों के लिए आसान सफर का पैकेज रखा गया है। यात्रा के दौरान सैलानियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। आपको बताते चले कि टूरिज्म पैकेज की शुरुआत 22 अक्टूबर से शुरू होगी। इस नए पैकेज में सैलानियों को वाल्मीकि नगर में 2 रात व 3 दिन रहने का मौका मिलेगा। इस पैकेज के तहत पटना से प्रत्येक शुक्रवार को 2 बसें खुलेंगी। पैक्सों के जरिए धान खरीदने की तैयारी हुई शुरू। 1 नवंबर से राज्य के किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में राज्य सरकार ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। धान की फसल अच्छे से तैयार होने में समय लगने के कारण अधिकतर किसान जनवरी के बाद ही धान को बेचते हैं, क्योंकि सरकार 17% की नमी तक ही धान को खरीदती है। इसलिए किसानों के हालात को समझते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता विभाग ने बिचौलियों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी कर ली है। इसके तहत मिलीभगत करने वाले पैक्सों और व्यापार मंडलों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बताते चले कि राज्य के बड़े हिस्से में धान कटनी दिसंबर महीने से शुरू होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोपनी देर से होने के कारण इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेचना कठिन हो सकेगा।
बिहार में गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं कराने वाले को होगा दोगुना नुकसान। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का बीमा या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जल्द ही करा ले, नहीं तो दुर्घटना होने की स्थिति में परिवहन विभाग आपसे ही मुआवजा की राशि वसूलेगा। नहीं देने पर आपकी गाड़ी जब्त कर नीलाम कर दी जाएगी और इस पैसे से दुर्घटना में घायल या फिर जान गंवाने वाले व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। और अगर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा तो संबंधित बीमा कंपनी से सरकार मुआवजा राशि को वसूलेगी। बताते चले कि राज्यभर में सड़क दुर्घटना पर तत्काल सरकारी मुआवजा का प्रावधान लागू होने के बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है। संबंधित जिलों के डीएम और डीटीओ को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत जांच अभियान भी चलाई जाएगी और पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगे जाएगा। सूबे में उग्रवादी हिंसाओं में हुई 14 गुना कमी। बीते 5 सालों के दौरान बिहार में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं या हिंसा में 14 गुना कमी दर्ज की गई है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक राज्य के सिर्फ 4 जिलों में ही अब भी इनकी गतिविधियां थोड़ी बहुत देखी जा रही है, जिनमें गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय जिले के नाम शामिल है। इन जिलों की सीमा भी सीधे तौर पर झारखंड से जुड़ती है, जिस कारण इन इलाकों के पहाड़ी और जंगली इलाकों में उन्हें छिपने या फिर भागने में आसानी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में उग्रवादी वारदाताओं की संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई, जबकि 2020 में सिर्फ 26 वारदातें हुई थी। भाजपा ने लालू प्रसाद यादव को बताया एक्सपायर्ड माल। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लंबे इंतजार के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद ही बिहार पधारने वाले हैं। हालांकि उनके आगमन को लेकर जहां उनके समर्थक काफी ज्यादा खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा ने लालू प्रसाद यादव को एक्सपायर्ड माल तक बता दिया। इतना ही नहीं, श्रम संसाधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि यह भी है कि उनमें अब ताकत नहीं बची है, दहाड़ने नहीं मिमियाने के लिए बिहार आ रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लालू के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आईसीसी ने T20 विश्व कप में DRS लागू करने का लिया फैसला। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच किया जाना है। इस बार का यह टूर्नामेंट बाकी सभी बार से अलग होने वाला है, क्योंकि पहली बार आईसीसी ने DRS का नियम इस मैच के दौरान लागू करने का फैसला लिया है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक एक टीम के पारी के दौरान 2 DRS लेने का अधिकार दिया जाएगा। टेस्ट और वनडे मुकाबले में जिस तरह से फील्ड अंपायर द्वारा लिए गए फैसले को कप्तान DRS द्वारा चुनौती दिया करते हैं, इसी तरह से विश्व कप के दौरान भी ये हक उनके पास होगा। मैच खेल रहे दोनों टीमों के कप्तान के पास पारी के दौरान 2 बार फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती देने का अधिकार हो सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम का फायदा आम लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।